नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज हम आप सभी के लिए सातवीं का एमपी बोर्ड का पेपर लेके आए हैं और ये इंग्लिश का पेपर है। देखिए किस तरह से इसे किया गया है, सॉल्व पेपर है, पेपर हो चुका है। उसके बाद ये पेपर देखिए किस तरह का आया हुआ था। ये आया था कि इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे 10। रीड द पासेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। प्रश्नों को पढ़िए और उत्तर देना है पासेज को पढ़ के। द बिग बैनियन ट्री इन अवर ब्लेज इन 50 ईयर्स ओल्ड। हमारे गांव का जो बरगद का पेड़ है वो 50 साल पुराना है। पहला प्रश्न पूछ रहे हैं कि बैनियन ट्री इज ओल्ड, कितना पुराना है, तो 50 ईयर्स। यही इसका आंसर है, 50। लिख देंगे कि द बैनियन ट्री इज 50 ईयर्स ओल्ड। इसके इट स्टेज डे एंड नाइट इन द सन एंड रेन। यह है दिन और रात पानी और सूर्य के प्रकाश में ऐसे ही खड़ा रहता है। ऑल द ब्लेज चिल्ड्रेन प्ले नियर इट। सारे गांव के बच्चे यहाँ खेलते हैं। दे स्विंग ऑन इट्स ब्रांचेज एंड हैव फन। वे इसकी शाखाओं पर झूलते हैं और आनंद लेते हैं। इन द आफ्टरनून, दोपहर में, पासर बाई सिट अंडर द ट्री। इसके पास से गुजरने वाले पेड़ के नीचे रुकते हैं। दे रेस्ट फॉर सम टाइम एंड मूव ऑन। वे कुछ देर यहाँ पे आराम करते हैं और फिर चले जाते हैं। द ट्री इज अ होम फॉर मैनी बर्ड्स। ये पेड़ कई सारे पक्षियों का घर है। एंड स्मॉल एनिमल्स, और छोटे जानवरों का। एंड इंसेक्ट, और छोटे कीड़े मकोड़ों का। द ट्री गिव्स फ्रेश एयर टू। पेड़ जो है ताज़ी हवा देता है। वी शुड ऑलवेज लव एंड केयर फॉर इट। हमें पेड़ों से प्रेम करना चाहिए और इनकी देखभाल करनी चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, हु स्विंग ऑन द ब्रांचेज ऑफ द बेनियन ट्री। तो चिल्ड्रेन, तो द चिल्ड्रेन स्विंग ऑन द ब्रांचेज ऑफ द बैनियन ट्री। वेयर डू वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम, बर्ड्स, एनिमल, ट्रीज, इंसेक्ट। आप जानते हैं कि हमको हवा कहाँ से मिलती है, पेड़ से। वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम द ट्रीज। द स्टोरी इज अबाउट द मैंगो ट्री, नीम ट्री, बैनियन ट्री, पीपल ट्री। जो स्टोरी है वो बैनियन ट्री के अकॉर्डिंग है। द स्टोरी इज अबाउट द बैनियन ट्री। टेक रेस्ट अंडर द ट्री इन द आफ्टरनून। पासर बाय टेक रेस्ट अंडर द ट्री इन आफ्टरनून। इसके बाद लिखना है अपोजिट। अपोजिट ऑफ स्मॉल। स्मॉल का अपोजिट क्या होता है, बिग, बड़ा। द बैनियन ट्री स्टे डे एंड नाइट इन सन एंड रेन। द प्लूरल ऑफ ब्रांच। ब्रांच का बहुवचन क्या होगा, ब्रांचेस, सी सही हो जाएगा। द पास्ट टेंस ऑफ सिट एज सेट हो जाएगा, पास्ट फॉर्म होती है इसकी, सिट की, सेट। पिक द ऑड वन आउट एंड राइट ट्री ब्रांच लीव चिल्ड्रेन। देखिए पेड़ से संबंधित है पेड़, शाखाएं और पत्ते, चिल्ड्रेन संबंधित नहीं है, तो चिल्ड्रेन जो है ऑड वर्ड हो जाएगा। व्हाट डज चाइल्ड सी इन द कंट्री साइड। ये छठवीं की इंग्लिश की किताब में है। द चाइल्ड सीज रिवर्स, ट्रीज एंड कैटल इन द कंट्री साइड। बच्चे ने कंट्री साइड में क्या क्या देखा, तो बच्चे ने कंट्री साइड में नदियां देखी, पेड़ देखे और पशु पक्षी देखे। राइट द राइम्स वर्ड्स फॉर। वॉल का फॉल हो जाएगा, किट का हिट हो जाएगा, ट्री का थ्री हो जाएगा, या फ्री लिख दो। फाइंड द ऑड वन एंड राइट। रिवर ओशन, ट्री लेक, नदी, महासागर, झील, पेड़ अलग हो जाएगा, ट्री हो गया। पेन, शार्पनर, इरेजर, बुक। पेन, शार्पनर, इरेजर ये लिखने के काम की चीज़ें हैं। बुक अलग हो जाएगा, तो बुक हो जाएगा यहाँ पे। ब्लू, रेड, ग्रीन ये कलर्स हैं। बॉटल अलग हो जाएगा, तो ये बॉटल ऑड वर्ड में आ जाएगी। मेक न्यू वर्ड्स बाय ज्वाइनिंग द वर्ड। रेन बो, रेन कोट, रेन ड्रॉप। फिल द ब्लैंक्स विद द सुइटेबल साइलेंट लेटर। नोब, रोंग, ऑनर, इसमें भरा जाएगा के, K N O B, नोब, W R O N G, W R O N G, रोंग,
एच ओ एन ओ यू आर ऑनर, ऑनर यानी सम्मान, रॉन्ग यानी गलत, और ये नोब हो जाएगा। इसके बाद द लीव्स ऑफ द प्लांट आर ग्रीन, यहाँ पे पत्तियाँ होगा, बहुवचन। ब्रश योर टीथ होगा, टूथ नहीं होता, टीथ हो जाएगा। इंडिया इज अ बिग कंट्री हो जाएगा। राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन बिलो, इनकी पास्ट फॉर्म लिखनी है, पास्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल। मूव का मूव्ड और पास्ट का पार्टिसिपल भी मूव्ड हो जाएगा। क्लीन क्लीन्ड क्लीन, प्ले प्लेड प्लेड। अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट, यहाँ पे क्या करना है, एडवर्ब छांटना है। तो द चिल्ड्रेन लाफ लाउडली, बच्चा जोर से हंसा, कैसे हंसा, जोर से, तो ये हो गया एडवर्ब। रवि राइट्स नीटली, रवि कैसे लिखता है, साफ सुथरे तरीके से, तो नीट्स हो गया एडवर्ब। ओल्ड मैन वॉक स्लोली, बच्चा कैसे चल रहा, धीरे धीरे, ये हो गया आपका एडवर्ब। फिल इन द ब्लैंक विद एंड और, फिल इन द ब्लैंक्स विद एंड और बट। राधा एंड रेखा आर टू सिस्टर्स, यहाँ पे जोड़ना है दो वाक्यों को, तो जो दो, जब दो शब्दों को जोड़ेंगे तो एंड से जोड़ देंगे। यहाँ पे अ मैंगो ट्री इज टॉल, आम का पेड़ लंबा है लेकिन टमाटर का पेड़ जो है छोटा है, तो बट लगा दिया। सरिता वॉन्ट्स टू स्टडी एंड सुनीता वॉन्ट्स टू प्ले, सरिता पढ़ना चाहती है और सुनीता खेलना चाहती है। यहाँ पे एंड भी आ सकता है और यहाँ पे बट भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। यूज कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी, यहाँ कैपिटल लेटर, किसी भी वाक्य की शुरुआत क्या होती है, कैपिटल लेटर से होती है, तो डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा। इसके बाद ये प्रॉपर नाउन है, शालू किसी का नाम है तो ये कैपिटल लेटर हो जाएगा। वेयर डज शालू लिव, आई लिव इन भोपाल, आई हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है और किसी शहर का नाम भी कैपिटल लेटर से शुरू होता है, आई लिव इन भोपाल। अनीता प्रॉपर नाउन है, ए बड़ा हो जाएगा, लिव्स इन इंदौर, इंदौर सिटी है, किसी शहर का नाम प्रॉपर नाउन है तो आई बड़ा हो जाएगा, अनीता लिप्सन इंदौर। यहाँ पे अपने बारे में फिल करना है, आपका नाम क्या है, आपकी उम्र क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, आपकी माँ का नाम क्या है और आपके स्कूल का नाम क्या है। इसके बाद इन्हीं को सेंटेंस बना के लिखना है। माई नेम इज, जो कुछ भी आपका नाम है। माई एज इज, जो भी नाम है, जो भी उम्र है आपकी। माई फादर्स नेम, जो पापा का नाम है, माई फादर्स नेम इज। माई मदर्स नेम इज। माई स्कूल नेम इज, जैसे मेरा नाम सुषमा है तो मैं कह सकती हूँ माई नेम इज सुषमा तिवारी, माई एज इज 32 ईयर्स ओल्ड, माई फादर्स नेम मिस्टर कमलेश कुमार तिवारी, माई मदर्स नेम इज रेनू वाला, माई स्कूल इज शासकीय माध्यमिक शाला भोपाल। इसके बाद इस पिक्चर को देखना है और इसके बाद लिखना है 5 सेंटेंस। यहाँ पे सोलर सिस्टम के बारे में पूछा गया है, तो अवर सोलर सिस्टम इज अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड। अराउंड द सन 8 मेन प्लानेट रिवॉल्व इन देयर पर्टिकुलर एक्सिस। 8 प्लानेट्स, दीज 8 प्लानेट्स आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। सम प्लैनेट्स हैव देयर मून्स एंड कीप रिजॉल्विंग अराउंड देम। मर्क्यूरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन एंड नेपच्यून इज द फारेस्ट प्लैनेट। इस तरह से ये 5 सेंटेंस बना दिए। पेपर हो गया आपका पूरा, आप क्या क्या करके आए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।